शुक्रवार को कश्मीर में शहीद हुए कर्नल मनप्रीत और मेजर आशीष ढोंचक का अंतिम संस्कार किया गया। दोनों की अंतिम विदाई में हजारों की तादाद में लोग उमड़े। दोनों का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। इन तस्वीरों को देखकर पूरे देश की आंखें नम हैं। कर्नल मनप्रीत के 6 साल के बेटे ने कुछ इस तरह सेना की वर्दी पहनकर अपने पिता को अंतिम विदाई दी। बेटे का ये सल्यूट पूरे देश को हिम्मत दे रहा है। कर्नल मनप्रीत की पत्नी जगमीत कौर ने हाथ जोड़कर नम आंखों से अपने पति को अंतिम विदाई दी। पहले कर्नल मनप्रीत का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव मोहाली के मुल्लनपुर लाया गया, जहां उनके दर्शन के लिए पंजाब और हरियाणा से हजारों लोग पहुंचे। Both the officers, Manpreet and Ashish, they were from my regiment only. And it's a big loss to the regiment and to the army. And naturally I'm also feeling sad being from the same family. And we hope that people who have carried out these things, they will be sorted out soon. नम आंखों से विदाई, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों, बुजुर्ग हों, जवान हों, सब हाथों में झंडा लिए, फूल लिए, जिस जहां जहां से उनका शव वहां निकल रहा था उसमें फूल डाल रहे थे और आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू उनके निकल रहे थे। उनकी बहनें भी यहां पर अंतिम संस्कार में पहुंचीं, फूट फूट कर रोईं, लेकिन जब लोगों का जज्बा देखा तो उन्होंने भी मेजर आशीष के लिए जयघोष के नारे लगाए और फिर टूट गईं। उनकी पत्नी टूटी हुई हैं। जो ह्यूमन कॉस्ट है, जो मानवीय मूल्य चुकाना पड़ता है मिलिटेंसी का, वो सबसे ज़्यादा वो परिवार को चुकाना पड़ता है। गर्व तो सबको है, लेकिन जिसने अपना बेटा खो दिया उसके लिए वो बोझ, उसके लिए वो तकलीफ कभी कम नहीं होगी, गर्व ज़रूर होगा। तो फिलहाल ये तस्वीरें हैं जो पानीपत से हैं। भले ही मेजर आशीष, कर्नल मनप्रीत हमारे बीच ना हो, पर वो अपनी शहादत से लाखों भारतीय युवाओं को ये प्रेरणा दे गए हैं कि वो भी सेना में भर्ती हों और देश के लिए अपनी जान न्योछावर करें। मेजर आशीष की तीनों बहनें जब शवदाह गृह पहुंची तो रोते हुए अपने भाई को सलामी दी। उन्होंने खुद भाई के लिए नारे भी लगाए। मेजर आशीष की मां पूरे 15 किलोमीटर अंतिम यात्रा में बस इसी तरह हाथ जोड़कर अपने बेटे को निहारती रही और मेजर आशीष की पत्नी रोती रही। ऐसा लगा कि पूरा हरियाणा ही परिवार के साथ रो रहा है। मेरे एंट्री अवार्ड मिला, सिल्वर मेडल मिला था तो खुश था बहुत। कह रहा था कि भाई देश के कुछ दुश्मन कम कर दिए, खुशी की बात है। बहादुर जवानों का अंतिम संस्कार उनके गांव में हो चुका है, लेकिन कश्मीर के अनंतनाग में भारतीय सेना का ऑपरेशन अब भी जारी है। हरियाणा से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।